मुझे पता है बहुत टाइम के बाद वीडियो आ रही है, बट आज की वीडियो टोटली फोकस है योर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो वीडियो शुरू करते हैं फटाफट से, ठीक है। सो गाइस देखो यार, मुझे पता है आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और अभी उन कुछ प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। सब सबके ऊपर नाम आपको साइड लेफ्ट साइड के अंदर टॉप पे दिख जाएंगे कि किसकी क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो गाइस अभी तो हम लोग आ चुके हैं हमारे आइलैंड पे, बिकॉज मैं बहुत दिनों के बाद, सीरियसली बहुत दिनों के बाद मैं भी आया हूँ अपने क्राफ्टर एसएमसी के आइलैंड पे, ठीक है। और मेरे को लगता है कि मेरे जितने भी सारे मिनियंस होने वाले हैं वो सारे के सारे शायद फुल होंगे। तो सबसे पहले तो अपने को हमारे जितने भी मिनियंस हैं उन सबको खाली करना है, और उनको खाली करने के बाद दोबारा से मैं आपको मिलता हूँ कुछ ही देर के अंदर, ठीक है। ये देख लो भाई, पूरे का पूरा फुल है, तो इनको फटाफट खाली करते हैं और फिर दोबारा से मिलता है कुछ ही देर के अंदर, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं फिर, है ना। तो फटाफट कंप्लीट करते हैं फिर मिलता है। सो गाइस यहाँ से अभी लैपिस तो जितने हो सके हम लोग ने ले लिया, इनको फटाफट से एन्चांटेड लैपिस में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद हमारे को एन्चांटेड आयरन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद डायमंड्स, एंड देन आफ्टर दैट मुझे कन्वर्ट करने हैं एमरल्ड्स। तो इनको फटाफट कंप्लीट करते हैं, मेरे को टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो फटाफट कंप्लीट करते हैं फिर मिलता है। सो गाइस फाइनली हमारा जितना भी जो भी सामान मुझे करना था वो फाइनली सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब बस आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जो कि अब मैं शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। सो गाइस सबसे पहली प्रॉब्लम आपको यहाँ लेफ्ट साइड में टॉप की साइड दिख जाएगी, ठीक है। सबसे पहली प्रॉब्लम है गाइस कि हाउ टू इंक्रीज डिफेंस इन मशरूम आर्मर, ठीक है। तो भाई देख, इसके तीन तरीके मैं अभी नहीं, दो तरीके मैं तेरे को बता देता हूँ जिससे तू इंक्रीज कर सकता है। सबसे पहले तो ग्रोथ फाइव की बुक हर एक चीज में लगा दे, तेरा जो आर्मर है हर एक चीज में ग्रोथ फाइव लगा दे, ठीक है। क्योंकि देख, अगर तू आर्मर बना रहा है तो अगर तू उसके अंदर प्रोटेक्शन फाइव एंड ग्रोथ फाइव लगा देगा, सो तेरी जो हेल्थ है वो 1000 प्लस तो चली जाएगी, और तेरा ऑलरेडी जो डिफेंस है वो 449 या 459 के आसपास का होगा आफ्टर प्रोटेक्शन फाइव एंड ग्रोथ फाइव। फिर उसके बाद तो उसको रीइंफोर्स कर सकता है, ठीक है। रीइंफोर्स से भी एबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है, किसी में डिफेंस प्लस हो जाता है या किसी में हेल्थ प्लस हो जाती है, सो यू कैन डू दैट। और ये नहीं गाइस, आपको ग्रोथ फाइव की जो प्लस 75 हेल्थ देती है, साथ ही साथ डिफेंस भी ज़्यादा इंक्रीज करती है, ठीक है। नो डाउट, हाँ इसका हेल्थ ज़्यादा होता है, बट आप लोग प्रोटेक्शन फाइव हर एक किस्म में लगा दोगे और ग्रोथ फाइव हर एक किस्म में लगा दोगे, सो आपका जो जो डिफेंस लेवल है और आपका जो हेल्थ लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड, क्या आप ये कर सकते हो कि आप फर्टाइल वैली में जाओ और ये साइड में जाते रहोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगी एक अपनी फेरी क्वीन, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोगों को फेरी सोल ढूंढना है, उसको रिडीम करना है, और आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे मेरे को क्या क्या मिला है, ठीक है। मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, देख लो। डिफेंस 1, स्ट्रेंथ 1 एंड HP 4। तो इससे भी आपका डिफेंस लिटिल बिट इंक्रीज होगा, बट होगा। तो आप लोग ये प्रोसेस भी कर सकते हो, विच इज़ रियली हेल्पफुल। तो गाइस आज की सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि इस बंदे ने 2 घंटे और 30 मिनट तक ग्राइंडिंग करी थी फायर फ्रेगमेंट के लिए। सो भाई मैं पहले ही बता देता हूँ, फायर फ्रेगमेंट इज़ रेयरेस्ट थिंग। मैं खुद 4 घंटे से 3 घंटे तक मैंने ग्राइंडिंग किया था, मुझे खुद को नहीं मिला था, ठीक है। तो आपको अब इसके ऊपर डिपेंड करता है गाइस कि आपके पास लूटिंग क्या लगा हुआ है, किसे मार रहे हो और आपने उसको कितना मारा है, और उस चीज़ को मिलने के चांसेस कितने हैं। सो गाइस पहले ही बता दूँ, फायर फ्रेगमेंट के जो मिलने के चांसेस है वो ऑलमोस्ट 10,000 in 1% है, यूँ समझ जाओ। 10,000 को मारो या तो आपके नसीब होंगे तो 5,000 में मिल जाता है, या नसीब होंगे 3,000 में मिल जाएगा। आपको मारना है इसको है, जो कि बहुत टफ होता है, ठीक है। तो 3,000 में भी मिल सकता है, 5,000 में भी मिल सकता है, 10,000 में भी मिल सकता है, या 20,000 में भी मिल सकता है। इसका कोई एक पर्टिकुलर रेट नहीं है, ठीक है। सो गाइस आज की थर्ड प्रॉब्लम ये है कि रूनान वो पे बंदे ने रूनान वो तो ले लिया है, बट उसके पास इन्फिनिट क्वेल नहीं है। सो भाई देख, देखो इन्फिनिट क्वेल चाहिए, मतलब इन्फिनिट बोस, ठीक है। तो तुझे पहले तो बात इन्फिनिट क्वेरी लगानी पड़ेगी, ठीक है। और इन्फिनिट क्वेरी का भी प्रॉब्लम ये होता है कि आपके पास एरोज होने चाहिए। जैसे कि अभी तूने देखा था, मैंने सारे मेरे एरोज हटा दिए थे, ठीक है। मेरे पास ऑलमोस्ट 3 एरो, एक ही एरो रखा था जिसके वजह से मैंने 2 शॉट ले लिया, ठीक है। बट उसके बाद मेरे जैसे ही 2 शॉट कंप्लीट हुए, उसके बाद मेरा पूरा जो भी था इन्फिनिट का वो कुछ काम का नहीं था। सो इन्फिनिट क्वेरी भी कुछ काम नहीं आती, तेरे पास बोस तो होने ही चाहिए, मतलब वो नहीं एरो। अब गाइस थर्ड, मतलब लास्ट एंड फाइनल जो है उसके अंदर आता है विजिटर का, मतलब समझ जाओ यार। इसके अंदर इसने बोला ये है कि अगर हम लोग 4 का खरीदते, ठीक है, बट अगर हम लोग वापस से सेकंड स्लॉट या ऐसा कुछ खरीदते तो उसके अंदर जेम्स बढ़ती है कि नहीं। तो भाई मेरा आंसर है नहीं बढ़ती, ठीक है।
वो एज इट इज रहती है। अगर तू उसको 1 ले जा, 2 ले जा, 3 ले जा, 4 ले जा या 5 ले जा, अभी मेरा 4 पे है तो अभी 100 है, और 5 पे मैं करूँगा तो भी मेरा 100 होगा। यहाँ पे तू चेकआउट कर सकता है, मेरे कोई भी जो जेम्स है वो आगे नहीं जा रही है, ठीक है। सो हर एक गैस का स्लॉट खरीदने के लिए तेरा 100 ही रहने वाला है। सो बस गैस, आज की वीडियो हम लोग यहाँ एंड अप करते हैं। होप्स आप लोगों को वीडियो का मजा आया हो, तो प्लीज स्टॉप लाइक सब शेयर, और कोई भी प्रॉब्लम है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसको जरूर ट्राई करूंगा पूरा करने की। मिलता है अगले एपिसोड के अंदर, तब तक गाइस सी यू, टाटा एंड बाय बाय।